आज हम बनाने जा रहे हैं घिया चना दाल। बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस ये दाल बनके तैयार होती है। और अगर आप इसे बिल्कुल कम घी या तेल में, नो मिर्ची और कम मसालों में बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक लंबे आकार का घिया लिया है। आप चाहे तो गोल आकार का घिया भी ले सकते हैं, जो भी मार्केट में आपके आसपास अवेलेबल हो। इसे अच्छे से हम पील कर लेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और अच्छे से कम 2 से 3 बार हम अच्छे से पानी से धो लेंगे। और अच्छे से जब आप इसे धो लें तो उसके बाद जो भी इसका पानी है उसको आप ड्रेन आउट कर दीजिए, पानी को बिल्कुल निकाल दीजिए। अब मैं यहाँ पे एक कटोरी चना दाल ले रही हूँ। ये लगभग 100 ग्राम के आसपास चना दाल है। इसे भी मैं घिये की तरह ही अच्छे से 2 से 3 बार धोने के बाद इसका जो पानी है वो ड्रेन आउट कर दूंगी। और पानी ड्रेन आउट करने के बाद हम इसे घिये वाले बाउल में ही ट्रांसफर कर देंगे। और इसमें अब मैं पानी ऐड करूंगी। ये लगभग 1.5 ग्लास के आसपास मैंने पानी ऐड किया है। अब इसको हम कुकर में ट्रांसफर कर देंगे पानी के साथ ही। कुकर का ढक्कन लगाने के बाद मैं इसे 3 से 4 विसल्स दूंगी। और जब तक विसल्स हो रही है हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। 1 चॉप प्याज, 1 टोमेटो प्यूरी, घी लिया है मैंने तकरीबन 10 ml, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और जीरा। दाल चेक कर लेते हैं, दाल बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। अगर आपको लगता है अभी दाल में कसर है, अभी दाल पूरी तरह से नहीं हुई है, तो आप 1 सीटी और लगवा दीजिए। पैन को लो फ्लेम पे रखेंगे, घी ऐड करेंगे, जीरा ऐड करेंगे, अच्छे से जीरे को पकने देंगे। साथ ही मैं प्याज ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो प्याज की प्यूरी भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे चॉप्ड प्याज ले रही हूँ। आप देख सकते हैं प्याज का कलर हल्का चेंज हुआ है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी क्योंकि मैंने जो घी लिया है वो बहुत कम लिया है। साथ ही मैं यहाँ पे टमाटर ऐड कर दूंगी। अच्छे से इसे स्टर करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और इसे पकने देंगे। बहुत कम मसालों में ये बहुत ही टेस्टी दाल बनके तैयार होती है। अब हम घिया दाल जो बॉईल करी थी हमने, घिया और दाल, उसको मैं इसमें ट्रांसफर कर दूंगी। अच्छे से इसे मिक्स कर दूंगी। और इसे धीमी आंच पे मैं पकने दूंगी। इसको हम कवर कर देंगे। 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं घिया चना दाल हमारी बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। कोरिएंडर लीव्स या धनिया पत्ता के साथ इसे गार्निश करेंगे। और आप चपाती, परांठा, राइस किसी के भी साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।